Adventures with Sherry's. Subscribe, like, comment and share. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे YouTube फ्रेंड। जान है तो जहान है, अच्छा खाइए अच्छा पकाइए के स्लोगन के साथ फ्लेवर्स विद शारिज़ हाज़िर है उन लोगों के लिए जो अच्छी और नई रेसिपीज़ की तलाश में रहते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेज कलब सैंडविच। चिकन वेज कलब सैंडविच बनाने के लिए मैं जिन अज्जा का इस्तेमाल करूँगी, आइए मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। मैंने सबसे पहले चिकन को बॉईल कर लिया, बॉईल करके उसको शेडेड कर लिया। अब मायो से मैं एक सॉस बनाने जा रही हूँ। मैं लूँगी यंग्स का मायो और इसकी जो है एक कप लूँगी। इंशाल्लाह जल्दी आपको मायोनीज़ की भी रेसिपी शेयर करूँगी। एक कप मैंने मायो लिया है और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने वाइट पेपर। 1.5 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं चिली सॉस और टोमेटो केचप भी मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है, यानी दोनों चिली सॉस और टोमेटो केचप दोनों मैंने 1.5 खाने के चमचे ऐड किए हैं और इसको मिक्स कर लिया। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ बॉयल शेडेड चिकन। अच्छा, बॉयल शेडेड चिकन तकरीबन मैं जो इसमें 400 ग्राम के करीब मैं डालूंगी और बाकी रोक लूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी 2 खाने के चमचे ग्रेटेड कैरेट, कद्दूकस किए हुए गाजर 2 खाने के चमचे 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही मैं डालूंगी कैप्सिकम कटी हुई 2 खाने के चम्मच और इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको साइड पर रख लूँगी। मैंने इसमें 2 वेज डाले हैं, आप और भी डालना चाहें तो और भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने लिए 6 अदद इसमें स्लाइसेस ब्रेड के और इसके साइड को मैं कट कर दूँगी। साइड्स कट करने के बाद मैं इसको असेंबल करूँगी और असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैंने बारबेक्यू सॉस लिया, रेडीमेड है, इसको मैं स्प्रेड करूंगी और उसके बाद मैं इस पे कैबेज को लगाऊंगी जो कि मैंने कोल्सलो तैयार किया था और कोल्सलो में 1 खाने का चम्मच मैंने टोमेटो केचप डाल दिया था। कोल्सलो की रेसिपी आपको जिंगर बर्गर की रेसिपी के साथ मिल जाएगी जो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। अब मैं इसमें क्यूकम्बर खीरे डाल रही हूँ आप उसके बाद मैं इसमें बॉयल्ड एग कटे हुए वो डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह के भी जो है वेजेस आपको पसंद है आप वो डालिए और बस मेक श्योर कीजिएगा कि वेजेस का इस्तेमाल भी उतना ही हो जितना इसमें चिकन का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मेन मकसद ये है कि बच्चों को ख़ास तौर पे और वो बड़े जो कि सब्ज़ियाँ इतना आसानी से नहीं खाते उनको इस तरह से हम सब्ज़ियाँ खिला दें। तो अब मैंने ये बैटर जो बनाया हुआ था अब ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छा, इससे पहले मैंने इसमें चिली रेड चिली सॉस लगाया जो कि मैंने बनाना आपको बताया हुआ है और मेरे चैनल पर मौजूद है और ये जिंगर बर्गर की रेसिपी के साथ है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सैलड लीफ, आप ये भी आपकी मर्ज़ी है और वही वाली बात कि मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से वेजिटेबल्स जो है वो लोग जो नहीं खाते वो खाएं और जो खाते हैं वो तो खैर वैसे ही शौकीन हैं कि उनको लेटस भी चाहिए, सैलड लीव्स भी चाहिए और सारी ग्रीन जो सब्जियां हैं वो बहुत शौक से खा लेते हैं, लेकिन इस तरीके से हम अगर सर्व करेंगे तो वो लोग जो नहीं खाते हैं ना वो बड़े शौक से खाएंगे। अच्छा, इसको मैं 20 से कट करूंगी, आप चाहें तो बस ये 2 कट रखिएगा यानी कि हाफ हाफ, और मैं इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ, 1 कट और लगाऊंगी। उसकी वजह ये है कि अगर बच्चे लेना चाहें तो इजीली जो है एक छोटा पीस भी वो उठा सकते हैं और सर्विंग में भी आसानी होती है। तो लीजिए, मेरा तो हो गया सैंडविच तैयार। इसका बैटर बना के आप 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं और फिर जब दिल चाहे आप अपने असेंबल करके और सैंडविचेस बना सकते हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा।
मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आपको मिले। मुझे बहुत सारा अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से मैं आपसे मिलती रहूँगी हर नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching the channel.